Hello guys, welcome back to the channel Roadrunner 400. I know this has been a while, I have not made a video, but today we are out on the roads again, this time to buy a helmet for one of my brothers who is on the bike in front. As you can see, he's riding the Royal Enfield Meteor 350. So aaj hum bhai ke liye helmet lene ke liye ja rahe hain. बहुत टाइम हो गया था इसको मुझसे कहते हुए कि एक हेलमेट की नीड है, एक प्रॉपर हेलमेट इनको चाहिए. सो कभी भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऑफिस होता है, घर होता है, काम होता है. सो इन सब चीज़ों की वजह से हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला भाई के लिए हेलमेट लेने का. सो आज हम फाइनली निकले हैं. वैसे भी कुछ दिनों से दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही थी और इस बारिश के चलते हम लोग वैसे भी नहीं निकल पा रहे थे. सो फाइनली टुडे इज़ द सनी डे. देर इज़ वन मोर थिंग दैट वी प्लान्ड दिस राइड, नॉट एग्जैक्टली अ राइड, इट्स जस्ट शॉर्ट ट्रिप टू द मार्केट जो कि 20-25 किलोमीटर दूर है हमारे घर से. अनदर रीज़न वाई वी प्लान्ड दिस शॉर्ट राइड वॉज टू टेस्ट अवर एक्शन कैमराज. मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, बट मैंने एक GoPro परचेज़ किया था अभी रिसेंटली ऑन माई ट्रिप टू कैनेडा. तो वो GoPro को आज हमने कैमरा पे यहाँ पे माउंट किया है और पूरे सेटअप के साथ आज हम निकले हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए. और एक कैमरा मैंने ये भाई को भी दिलाया था. एज यू कैन सी राइट देयर, देयर इज़ अ कैमरा माउंटेड ऑन हिज बाइक विच इज़ द DJI कैमरा. सो बस आज उसी की टेस्टिंग करने के लिए हम निकले हैं. आज लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हम किसी गलत दिन पे निकल आए हैं, बट वील बी एक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू स्किप द ट्रैफिक एज मच एज वी कैन टू रीच अवर डेस्टिनेशन ऑन टाइम. सो लेट्स सी हाउ वी गेट इट अहेड ऑन द रोड. सो अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई तो ये वीडियो अपलोड होगी, अदरवाइज यू स्क्रैप द होल वीडियो एंड test it again until we can get it right, so that next time I make a video, that's a proper video for my audience. I just want to make sure we get the best quality out of these cameras, because without doing that it will defeat the purpose and there is no point making such videos, right? So hum testing puri acche se kar rahe hain cameras ki. Let's see the outcome. क्या निकल के आता है, क्या हमारी फुटेज हमारे मोबाइल फ़ोन की फुटेज से बेटर है, नहीं है, यू विल गेट टू नो सून. आई वुड ऑल्सो लाइक माई ऑडियंस टू टेल मी इफ दे लाइक द फील्ड ऑफ व्यू एंड द वे द कैमरा इज़ रिकॉर्डिंग, सो दैट आई हैव अ गुड फीडबैक ऑफ वॉट द पीपल लाइक एंड वॉट द डोंट लाइक, राइट? बेस्ड ऑन दैट आई वुड लाइक टू मेक फर्दर वीडियोज. हम बातें करते रह गए और भाई ने बाइक खींच ली. सो Let me catch up. Right now I'm using only one mic to record just my voice, and I believe because of that you might not hear the exhaust sound as much. So jab hum next time video banayenge, what I'll do is I'll place one more microphone right above the exhaust or the bike silencer as you call it. And I think that will give us a much better output. Then we'll mix the sounds in post-production and we'll get a much better experience of both the sounds from the exhaust and also from the voice input from the helmet. See, I'm telling you my whole game. I'm telling you how I do stuff, right? So yahan koi bhi chupane wali baat nahi hai, everything is transparent. क्योंकि मेरी तरह और भी कोई व्लॉगिंग कर रहा हो सकता है और उसको ये फीडबैक, उसको ये गाइडेंस काम आ सकती है. सो दैट्स द होल मोटिव ऑफ रनिंग दिस चैनल, टू गिव एवरीवन एन एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दिस इज़ डन
what we are doing, how we are doing, everything related to the vlogging stuff, and of course our Dominar 400. You will always continue to hear from me about the bike itself. Dekhna yaar ye bhai ki choti kitni lambi. It looks more like a bike enthusiast and a hippie at the same time. But acha hai, style badhiya tha. I think we may have twisted the left mirror a little further from the handlebars. You know how this happened, but I think I did by mistake. Kafi zyada traffic hai. Ek bhai piche phas gaya. I'm going to close my visor in a moment so you can hear the sound better. अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं. थोड़ी देर के लिए वाइज़र खोला है और इसकी वजह से क्या होगा ना, इधर उधर की सब जगह की साउंड इसमें आएगी, माइक्रोफोन कैच करेगा. इट्स अ रिडिकुलस डे टू राइड योर बाइक्स, बट एनीवे वी हैव स्टेप्ड आउट सो वी वोंट गो बैक होम नाउ ऑब्वियसली. Oh, so we have traffic again. Off-roading ho gaya bhai. Hello, stall. So aaj ka hamara plan aisa hai ki bhai ko helmet dilayenge, reasonable helmet, theek thak range mein. और उसके बाद हम खाएंगे छोले भटूरे. सो दिस इज़ व्हाट आई प्रॉमिस्ड इन ऑफिस कि अपन लोग दिल्ली चल के और ये सब करने वाले हैं. सो ये देखो, भटूरे का नाम सुन के भाग गए, जल्दी से पहुंचना चाहता है. Today we are specifically going to buy the helmet, like I told you previously as well. The idea will be to buy probably an XOR helmet, the same that I have, as you can see in the mirror right now. I'm trying to show you. So something along the same lines, maybe blue in color, क्योंकि भाई की bike का color blue है. This is a Meteor 350, cyan or blue, whatever you call it. I'm very bad with the color names. So yeah, so that's the idea. ऐसा कोई हेलमेट हो जिसके अंदर की डी लॉक, मैंडेटरी डी लॉक होना चाहिए, राइट. इट शुड बी ECE, डॉट एंड वन मोर सर्टिफिकेशन, ISI. इट शुड बी सर्टिफाइड ऑन ऑल थ्री पैरामीटर्स, राइट. यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि शॉप बिल्कुल पास में, बिल्कुल ही पास में. देयर वी आर. ये आ गए हम राइडर्स प्लैनेट पे. इसमें आपको ये कलर मिल सकता है, ये कलर मिल सकता है. मैं ऊपर से ला देता हूँ, ये है आपके साइज में लार्ज में, जो जो कपड़ा मैं लिया. यहाँ जो लग रहा है वो दिखा देता हूँ. यहाँ आपका एक कलर तो ये वाला लग रहा है.
ये बहुत छोटा साइज है, एग्जॉर देख लेते हैं एक दो पीस। हाँ, जो हमें चाहिए वो इस तरीके का कलर है कुछ ब्लू। जो मॉडल 13 है वो नहीं है यहाँ, मेरा वाला तो एग्जॉर टर्बाइन है, वो पुराना मॉडल है। जब मैंने लिया था वो तब भी एक दो साल पुराना मॉडल था। तो अगर उसी में आपको ब्लू चाहिए तो वो ब्लू ऐसा नहीं होगा जैसा आपको चाहिए, वो ऐसा होगा इस तरीके। तो फिर अगेन कोई सेंस नहीं, देखते हैं बाहर जाते हैं। सही लग रहा है, लगेगा तो देखो सही, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप राइड करते हो ना तो इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट अगर आपकी इंटेंशन है इसको पूरी तरह से मैच करने की इस कलर के साथ, तो देखो बहुत डिफरेंस है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग, इट्स नॉट एग्जैक्ट बट आई थिंक इट विल वर्क, इट शुड वर्क बिकॉज रेड शेड भी है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट भी होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि हम एकदम परफेक्ट मैच करके ले सकते हैं, या लेना भी चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए इतना परफेक्ट मैच करके। ठीक है, थोड़ा कंट्रास्ट रहें और देख लेते हैं। हाँ देखो इसमें ना ब्लैक और ग्रीन, बट ये भी कोई परफेक्ट ग्रीन नहीं है, दिस डज नॉट मैच विद माय डोमिनो। सो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री हो एंड दैट्स ऑल वी नीड। सो एम्प्टी हेलमेट हैज़ ऑल दी बेनिफिट्स, इट इज़ मच बेटर देन एग्जॉर राइट, बट इसमें एक चीज़ है कि इसके अंदर पिन लॉक आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है अरेंजमेंट पूरा है, बट आपको पिन लॉक बाहर से लेना पड़ेगा। पिन लॉक सर 750 की फिल्म है, किसी भी हेलमेट में लगवा सकते हो आप, इसमें भी लग जाएगी। फीचर्स ऐड कर सकते हो, सेफ्टी ऐड नहीं होती हेलमेट में, लोगों इसका पॉलीकार्बोनेट शेल। हाँ पॉलीकार्बोनेट शेल, ये लाइट शेल देखोगे बहुत बड़ा इसका शेल। इसका आउटर बॉडी जो TPU है ना वो भी बहुत भारी हुई, मतलब जो अंदर थर्मा को। सही लग रहा है, एकदम बढ़िया। बंद करो, मुझे दिखेगा नहीं। आप तो देखना भी नहीं है, मैंने देखना है सही लग रहा है नहीं लग रहा। तो ये साइड से डायमेंशन सही होना चाहिए, ठीक लग रहा है, ऑकवर्ड नहीं लग रहा। वाइजर, हाँ ये अंदर वाला सन वाइजर ये छोटा नहीं है, नहीं छोटा नहीं है, इतना ही होता है। कहाँ तक चाहिए, गैप है यार, यहाँ फोटो तक थोड़ी लोगे यार उसको, नाक तक ही तो आएगा। नहीं मुझे फिर यहाँ से दिख रहा है ना। हाँ ये स्पेस है आपको हवा आने के लिए। नहीं यार पूरा कवर होना चाहिए ये, आप कवर कर लेना कपड़ा लगा के, बट ये इतना ही होता है। ये होता ही इतना। हेलमेट तो ये समझ में आ रहा है, बढ़िया है, सबसे बढ़िया लॉक का अरेंजमेंट है, हम लोग लगवा लेंगे इसको। डी लॉक वगैरह भी है इसके अंदर, सभी कुछ इंटरकॉम रेडी है राइट, हमने कंफर्म कर लिया। अपीयरेंस बहुत अच्छी है, मेरे को ऑनेस्टली जैकेट ज़्यादा अच्छी लग रही है। रेड ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ रेड ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाउ यू फीलिंग, कंफर्टेबल? नॉट एग्जैक्टली कंफर्टेबल आई वुड से, जैकेट फर्स्ट टाइम में कम, यू नीड टू गेट अकस्टम टू व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग, व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग सच थिंग्स, एक थोड़ा कम्फर्ट बनाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स, you can come to the store, this is Writer's Planet in Karol Bagh. I'll send you the details in the comment section and in the description, so you can easily come down to Karol Bagh. Bhai aapka naam kya hai? Nitin se aap baat kar sakte hain is bare mein, he knows everything, he will give you the complete detail about the jackets, the helmets, you name it and they have it, right? So Writer's Planet, remember guys, bhai ko helmet humne dilwa diya hai, ye helmet le chuke hain aur ab hum dono ek jaise ho gaye hain almost. From this point, if you have any requirements about the bike, if you need any accessories, if you need gloves or if you need your helmet, this is the place for you. I hope you can see Rider's Planet clearly here, Karol Bagh, and I'll share the complete address in the description section of the video. All right, so now we are going to have bhature. आज उस भाई को टॉप बॉक्स लेके आना चाहिए था, बट ये लेके नहीं आए, और ये देखो सामान को किस तरीके से ले जाना पड़ रहा है, और जाना है भाई को सोनीपत। तो ये बहुत ही गड़बड़ सीन करा है आज, जिस काम के लिए टॉप बॉक्स होता है आज वो काम हो ही नहीं रहा। ऐसे बांध बूंद के जुगाड़ करके जाना पड़ रहा है, खैर कोई नहीं। तो फाइनली हम आ गए हूँ भटूरे पे, वो जी बाइक लगाए यहाँ, उधर आ जाएंगे, बड़ी गाड़ी है ना।
फिर हेलमेट लेने देने का काम हो गया पूरा। अब हम आ गए भटूरे खाने के लिए, हम भटूरे के पर ये देखो इनसे इंतजार भी नहीं हुआ है, हो गया शुरू दे बाइट दे बाइट। सो फाइनली क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, अभी खाने पे फोकस है, बाद में बात करते हैं। हम लोग खा रहे हैं भटूरे। तो गाइज हमने भटूरे अब खा लिए और मज़ा आ गया, सब कुछ हो गया। भाई ने जैकेट ख़रीद लिया है और हेलमेट ख़रीद लिया है और ये देख लो जी इसका लुक गेटअप। हालांकि हम इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू द राइडा, द राइडिंग जैकेट फ्रॉम राइडा एंड द एम्प्टी हेलमेट दैट वी हैव जस्ट परचेस्ड फ्रॉम राइडर्स प्लैनेट। और इस हेलमेट में हमने एक ये ब्लू आर्मर का माउंट भी लगवाया है। सो दिस इज़ द माउंट। अभी हम इसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रहे क्योंकि अगर करेंगे तो इसकी ग्लू निकल जाएगी। तो हमारे भाई को हमने कर दिया अलविदा, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ जो कि है वेस्ट साइड में। तो सर इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म, हम अपने घर आने वाले हैं और ये बस एक लेफ्ट टर्न